इश्कावे पंचायत ये फैसला करती असिया जिस कमरे में रहती है बाकी जिंदगी उसी कमरे में गुजारेगी। देखेगा तू भी बड़े जल्दी जुल्म होते हुए, तेरी आंखें भी खुली रह जाएंगी और जुबान बंद। देवी की बात पक्की करके आई हूँ, सोचा तुझे भी मिठाई खिला दूँ। रशीद, और रशीद अनवर चले गए हैं पहले ही, लगता है समझदार हो गए। मां सदके आसिया उठ, दूध उस जुलेखा को पिलाया नशे वाला, बेहोश तू हो गई है के गले, आज तिरक नहीं रही। उठना ओ आसिया, ओए आसिया। रशीद अंदर, हवेली वाला उठो, उठो सारे, साधक बीबी बच गई है वो, बरजाई सकीना, साधक जाने क्या हुआ है, शोर क्यों पा रहा है? बच गई है वो। कौन? आसिया बच गई है वो। कैसे हो सकता है, उसके पैरों में तो बेड़ियां हैं। सेपी
आ रही हूँ, अखा ना आ रही हूँ। मैं लुटी गई। डॉक्टर पे आ गया। खाला खाला मैं हूँ शाहजेब। शाहजेब, हाय पुत्र, तूने तो मेरा तराय कर दिया था। इखलाक तो घर पे नहीं है। मुझे पता है खाला, मेरी उसे बात हो गई है, वो कल सुबह तक आ जाएगा। देखिए, बस हमें यहाँ पे एक रात गुजारनी है। वो तो ठीक है पुत्र, पर ये कौन है? आसिया, किसने उन दोनों को भागने में मदद की है वो खुद बता दे। किसी और से पता चला तो चमड़ी खिंचवा के जूते बनवा दूंगी। मेरे कमरे से चाबियां किसने चोरी की? बोलो, बोलती क्यों नहीं? मैंने तूने मेरा एक और काम करना है, पता? मेरा और आसिया का आज ही निकाह करो। इश्क़ावे क्या बकवास की है? मैंने आसिया और जेबी की भागने में मदद की है। सबसे पहले मैंने जाके जेबी से बात की। करेगा यहाँ से बाहर निकल कर? आसिया को साथ लेके मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ना, ना मेरा वीर, ऐसा सोचना भी मत। तू जानता है ना इस हवेली से भागने का अंजाम क्या होता है? तुझे तो बीबी अपना पुत्र होने की वजह से छोड़ देगी, लेकिन जरा सोच, सोच उस बेचारी आसिया के साथ कितना जुल्म होगा। बस मैं एक दफा यहां से निकल जाऊं आपा, मैं आसिया को इतनी दूर ले जाऊंगा कि पूरी जिंदगी हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा ही सोचा था मैंने भी, बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि मैं इस हवेली से बहुत दूर चली गई हूं, मुझे अब कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन ना, ये लोग तो वहां पर भी पहुंच गए। जिन लोगों के पास दौलत होती है ना, उनके लिए ये जमीन बहुत ही छोटी पड़ जाती है, बहुत ही छोटी। दूसरों की जमीनों पर भी कब्जा करके इनका पेट नहीं भरता। बस पहुंच गए ये लोग वहां पर भी, पहुंच गए। जालिम को बड़ा मजलूम करता है आपा, जब वो मान लेता है कि जालिम उसे ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी होती है आपा, सब इनकी जागीर तो नहीं, कहीं ना कहीं पहुंच के तो ये बेअसर होते होंगे ना। मैं आसिया को वहीं ले जाऊंगा, बस मुझे यहां से निकालो आपा। मैं वादा करता हूं मैं आसिया को कुछ नहीं होने दूंगा। सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर,
मैं कुछ करती हूँ, अच्छा बस सब्र कर थोड़ा सा। फिर आपके कमरे से चाबियां चुराई। और आसिया के कमरे के बाहर खड़े होने वाले चौकीदारों के खाने में भी नशा मैंने ही मिलाया। बाजी तू सदा मेरा तरह काट देता है। ये खाना किसके लिए लेके जा रही है? वो आसिया के कमरे के चौकीदार है ना, उनका खाना है। अच्छा शिदो, खाना ले जाने से पहले मेरा एक काम कर देगी? सत बिस्मिल्ला बाजी। वो सहन में ना मैंने अपने कपड़े धोकर सूखने को डाले थे, अगर वो सूख गए हो तो मुझे ला देगी। हुकुम बाजी। बड़े सालों बाद आपने माँ होने का हक इस्तेमाल किया है। बड़े सालों बाद मुझे एहसास हुआ है माँ के हाथ का लम्स क्या होता है। बड़ा मजा आया बेबी, बड़ा मजा आया। तुम लोग अंदर देखो। इसको तो मैं देखता हूं। आसिया और शाहजेब कहां हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा न्याणा ना बन, तू सब जानता है दोनों कहां हैं। ओ रब दी सो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। नहीं जानता तो सुन ले, भज गई तेरी बहन अपने आशक के साथ। रब दी सो चौधरी मुबशर, जब तक मैं उनको लब नहीं लेता ना, रोटी तो क्या पानी भी हलक से नहीं उतारूंगा मैं, समझा? पिंड से बाहर तो वो लोग नहीं गए, ये मैं जानता हूं। तुझे लब गए ना तो बोलना भज जाएं, भज जाएंगे तो बच जाएंगे। चलो ए। बीबी, अब्बा साईं का फोन है।
सलाम आखा आपा। वालेकुम सलाम अशरफ। गड़ियों में बह गए हम आपा, और घंटे तक हवेली पड़ जाएंगे। आपा खुशी की गल है अशरफ। शाहजेब की सुना आपा, इसे भी खुशी है ना? शाहजेब अशरफ खुश है। क्या कर रहा है? जरा बाहर निकला है, नाई के पास गया है बाल कटवाने को। अच्छा अच्छा, ले फिर आपा, होती है मुलाकात। रब रखा। रब रखा अशरफ। मेहरबानी, तूने अशरफ को नहीं बताया। हवेली की इज्जत की बात थी, वो भी कैसे बताती। माफ करना यार, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने खाला को तकलीफ दी। भाई यार भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। तूने मेरा एक और काम करना है। पर तेरे लिए जान भी हाजिर है, बता करना क्या है। मेरा और आसिया का आज ही निकाह करवा दे। निकाह हो गया तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहेगा। करते हैं कुछ, तू चाह पी। जेबी मिला के नहीं। अशरफ निकल आया पिंड से, बरादरी में अपनी इज्जत बचानी है ना, तो उसके हवेली पहुंचने से पहले जेबी को हवेली में होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो आइंदा पंचायत में पग सर पे रख के नहीं, अपने हाथ में पकड़ कर बैठेगा। जेबी जुले बैठो गड्डी में। एक बात कहूं बाजी? बोल। एक हिसाब से आपको खुश होना चाहिए, जान छूटी आसिया से। और जेबी के जाने पे भी खुश होना चाहिए मुझे है? मेरी बहन का मांग था वो, कुछ भी पकती रहती है। पर बाजी, बस अब एक भी लफ्ज निकाला ना मुंह से, तेरे सर पे कुछ चीज दे मारनी मैंने। सर घुट दूं बाजी। गिच्ची घुट दे मेरी, आजा घुट दे गिच्ची। हाथ टूट जाए मेरे, ऐसा सोचूं भी तो। चल दबा दे। बाजी सुबह दबाजी को दस दिया तुसा? कैसे बता दो उसे, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सोच सोच के कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। उसे पता चलेगा क्या गुजरेगी बेचारी के दिल। कितनी खुश थी मेरी बहन, आज शादी की तारीख पक्की हो जानी थी उसकी। बीबी और साईं निकले हैं दोनों ढूंढने, अल्लाह ने क्या तो दोनों मिल जाएंगे। पर आसिया की लाश मिलेगी, बीबी तो छोटे साईं को खून से भी कट लाएंगी। अगर ना मिले तो चंगा सोचेंगे तो चंगा होगा। कि मैं चंगा सोचूं? अब्बा साईं निकल आए हैं पूरी बरादरी को बताकर। जाओ
जन्नत बीबी की हवेली में बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। अब्बा सही नाराज होंगे, आखेंगे तूने तो बताया ही नहीं, तू तो सब कुछ जानती थी। तो आप बता देना। के मैं बता दूं? फूफी नाराज थी वैसी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका नाम ही ना आए, ऐसी बातें लुकी थोड़ी रहती हैं। वो तो कुछ भी सकता है। सलाम अब्बा साईं। ओ, एक जरूरी गल करनी थी आपसे, पर अब्बा साईं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। देवी को लेकर आ गया जाना? नहीं बीबी, पर अशरफ साईं पहुंच गए हैं। अशरफ आ गया है? सीपी नहीं आया। बिरादरी में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? चंगा नहीं किया सीपी ने, चंगा नहीं किया। तू क्यों खड़ी तमाशा देख रही है? बताया क्यों नहीं था जब वो चुप चुप के मिलते थे? गलती होगी बीबी, माफ कर दे। माफ तो मैं अपने आप को नहीं करूंगी। तू कौन सी उम्मीद लिए बैठी है? जुल बैठा उनको, लस्सी पानी पूछ, कह कि बीबी आ रही है। जी बीबी। एक गल मैं ते कु डसा देवा बीबी, जे तुसा अपना पोतर ना लभिया ते मैं उकु आप लभ के तेरिया अखां दे सामने उनु अपने हत्था नाल गोली मारसा। इश्कावे सलाम अपा। वालेकुम सलाम अशरफ, सफर ठीक गुजरा? हाँ अपा, हवेली से तो बहुत खुशी से निकले थे, पर क्या, राह में एक झगड़ा देखा, दिल बहुत दुखी थी गया। कैसा झगड़ा अशरफ? पता नहीं, दो खानदानों का झगड़ा था। एक खानदान किसी के घर में रिश्ता लेकर गया, वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस लड़के के लिए वो धी का रिश्ता लेकर गए थे वो किसी और सवानी के साथ नस गया। इज्जत सबको बहुत प्यारी होती है अपा, लड़की वालों ने उस लड़के को लब के और पूरी जंज के सामने उसे फेर मार दिया। अपन से भी की दे अपा, मैं पूछेंदा पे हाँ, जे भी नहीं दिसींदा पे कि दे गया है? बताया था ना अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला है। शीतो। जी बीबी। जुल लस्सी पानी का इंतजाम कर। अच्छा बीबी। अपा, आज तेरे हाथ क्यों कमदे पैनो? नहीं नहीं तो
लड़की का नाम आसिया। आसिया। लड़के का नाम शाहजेब। वालिद का नाम मोहम्मद बख्श। मोहम्मद बख्श। ये कहीं मुबशर की बहन आसिया तो नहीं? हाँ वही है, क्यों कोई मसला? तौबा 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 तौबा, कहाँ जा रहे हैं मौगी साहब? तौबा तौबा, सही है, हराम है। इस लड़की का पहले भी मैंने निकाह पढ़वाया है आपके बड़े भाई साईं जहांजेब के साथ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता किसी स्वानी का। वो निकाह जबरदस्ती हुआ था? वो मैं नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि ये काम नहीं हो सकता। मुझे माफ करें साईं, मुझे माफ करें। रब रखा साईं, रब रखा। मौली साहब, शादे मौली साहब बात। पता तो मुझे पहले ही चल गया था, पर क्या करता, वापिस जा नहीं सकता था। सारी बिरादरी को दस के जो आया था। आपा, तू तो मेरी अपनी थी और तू ही मुझे बता देती। मैं क्या बता देती, मेरा अपना पुत्र मेरे सर में खेप आके चला गया ना। अब मुझे डसा, क्या जवाब दूं जाकर उन्हें? इज्जत तो तेरी भी काइना रही और रही मेरी भी काइना। चल बजाज चलिए। रुक अशरफ, तेरे आगे हाथ जोड़ती, इस तरह मत जा। सेबी आ जाएगा ना, जाना क्या है सेबी को लेने के लिए। सेबी की शादी तो बेहतर सही होगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा। चुप करके तो हम भी नहीं जाएंगे पुफी, आखिर हमारी बहन की इज्जत का सवाल है। एक गल मैं तेकू डसा देवा बीबी, जे तुसा अपना पोत्र ना लभिया ते मैं उकु आप लब के तेरिया अखां दे सामने उनु अपने हाथ नाल गोली मारसा। सेबी साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, वो लोग हम दोनों को मार देंगे। सेबी साईं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र ना करो आसिया, इस जगह के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। साईं, वो सब लोग नाराज गए, उनके तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। कौन, किसकी बात कर रहे हो? कारी साहब और उनके साथ जो बंदे आए थे सबके। साईं, मुझे डर है कि कहीं वो जहां साईं को ना बता दे। साईं, आप इस तरह करें कि आप यहां से निकलें, गांव के दूसरे पार जो रास्ता है आप वहां पहुंचे, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करके मैं भी वहां पहुंचता हूँ। आप वहां पहुंचे साईं, पहुंचे। भी निकल गया, ढूंढ के ला, जल्दी ढूंढ के ला। अब बता आपा, क्या है तेरा फैसला? लगा पंचायत, सुना फैसला। इज्जत तो रही तेरे पास कोई, अब क्या देख लीजिए। ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, वो लोग किसी वक्त आ जाएंगे। हिम्मत करो आसिया,
बोल अशरफ, क्या चाहिए तुझे? सारी जागीर। रोक, जल्दी करें साईं, जल्दी बैठे साईं। बैठो उसे गाड़ी में बैठो। कौन है उधर? जिंदा ना छोड़ना। मिला देवी, बड़ा अशरफ इंतजार कर करके नाराज होके चला गया। बड़ी बेइज्जती हुई है सारी बरादरी में। खैर उसको तो मैं मना लूंगी मिनते तरले करके, पर जेबी कहाँ है? लाया नहीं जेबी को? जेबी जाने क्या हुआ है, बोलता क्यों नहीं, रो क्यों रहा है? बीबी हाँ जेबी कत्ल हो गया। बकवास करता है, झूठ बोलता है तू। अपना छोटे भाई के बारे में ऐसे क्या? किधर है जेबी? बता मुझे किधर है जेबी? जेबी सच कह रहा हूँ, घर में सच कह रहा हूँ। मुझे पता लगा था वो आसिया को भगा के शहर लेके जा रहा है। बीबी अब उसके पीछे गए रास्ते रास्ते में जेबी की लाश मिली थी। जेबी चट गया, जेबी रंगे की तरह मुझे अकेला छोड़ गया। बीबी भूले बनेडो Yeah.
बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे थे तो भेणा जी ने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो आसिया मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरा पुत्र पंचायत मेरे हाथ बांध दिए बेच देता तो आज तुझे बचा लेता। जिसे मौत का डर नहीं होता ना, किसी हद तक भी जा सकता है, वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मामा जी ने मेरा हाथ मांगा है ना, कबूल है मुझे कि जो बंदा अपनी गैरत के लिए अपना सगा भरा मार सकता है, वो बंदा अपनी इज्जत के लिए किस किस को मारेगा। ये कातिल मेरे भाई का, उठ बोल रहा है सर, ये इसी ने अपने भाई का कत्ल किया है।